वेल आई डोंट नो कब रिकॉर्डिंग में थोड़ा एरर हो गया, तो मैं वापस से इन चीजों को समझाऊंगा। ओके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यहाँ पे माउथ पीस होता है, डायफ्राम होता है, वायर होता है और एयर पीस होता है। होता ये कि हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये टेलीफोन में से कैसे है, हमारी वॉइस इंफॉर्मेशन, वॉइस का जो डेटा होता है वो कैसे ट्रांसफर होता है वो बता रहा है। सो बैटरी से कनेक्टेड है हमारे पास टेलीफोन, यहाँ पे एक साइड पे डायफ्राम है, एक साइड से बंदा बात कर रहा है, डायफ्राम यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे भी डायफ्राम लगा होता है, रिसीवर के पास भी, ट्रांसमीटर के पास भी। ओके, माउथ पीस होता है जहां से हम बात करते हैं और एयर पीस होता है जहां से हम आवाज को सुनते हैं। फाइन, सो ये माउथ पीस है उस बंदे का जो बोल रहा है और ये एयर पीस है उस बंदे का जो सुन रहा है। फाइन, अब बैटरी से सिग्नल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, यहाँ पे जब मैं बात बात करूंगा तो मेरा जो डायफ्राम है ये मेरा वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशंस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पल्सेस में थोड़ी अलग से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी सिग्नल्स में। ओके, सो ये करंट जो हमें पता है, करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फाइन, सो मैग्नेटिक फील्ड जब इन लूप्स में से, सॉरी, करंट जब इन लूप्स में से पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड मेटेलिक डायफ्राम को वाइब्रेट करेगी, और ड्यू टू मेटेलिक डायफ्राम की वाइब्रेशन जो बंदा सुन रहा है उसके ईयर पीस में आवाज आएगी और वो बंदा सुन सकेगा। टेलीफोन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू वायर्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू वायर्स के थ्रू टेलीफोन्स में इस तरह से कम्युनिकेशन होती थी। अब रेडियो वेव्स का आता है, तो रेडियो वेव्स का ये था कि मैं जो बात कर रहा हूँ फोन वगैरह पे वो पूरी पूरी रेडियो वेव्स पे है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे साउंड है, माइक उस साउंड को रिसीव करेगा, हमारे मोबाइल्स में माइक्रोफोन होता है वो हमारे आवाज को रिसीव करता है और इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट कर देता है। फाइन, एम्पलीफायर उस आवाज को एम्पलीफाई करेगा, मींस उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर देगा। मॉड्यूलेटर जो होता है, आपने घर में वाईफाई लगा हुआ होगा आपके, आप उसे राउटर कहते हैं, बट उसका टेक्निकल नेम जो होता है मॉडेम, मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ओके, इसका काम ये होता है एनालॉग को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। सो मॉड्यूलेटर जो काम करता है वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, जबकि डीमॉड्यूलेटर डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। फाइन, सो यहाँ पे हमारा जो साउंड वेव आ रही है वो आवाज आया, माइक में आया, इलेक्ट्रिक पल्सेस में चेंज हो गया, अभी ये एनालॉग सिग्नल्स, एनालॉग डेटा है। ओके, सो ये एनालॉग सिग्नल्स मॉड्यूलेटर में से पास होंगे और डिजिटल में कन्वर्ट होंगे, वापस एम्पलीफायर में से पास होकर एम्पलीफाइड होंगे, एंटीना, एंटीना के पास हैं तो आते हैं, तो एंटीना उसे ट्रांसमिट करता है। एंटीना का काम होता है या तो ट्रांसमिट करना या तो रिसीव करना। सो ये यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेगा और ट्रांसमिट करेगा। ओके, और यहाँ पे ये ट्रांसमिट करेगा तो रेडियो वेव्स की फॉर्म में ये सिग्नल्स हमारे दूसरे एंटीना या रिसीवर के एंटीना के पास आएंगे। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडियो वेव्स के सिग्नल्स को एंटीना वापस रिसीव करेगा, जो दूसरा एंटीना है वो रिसीव करेगा यहाँ से। ओके, इसने रिसीव किया, एम्पलीफाई किया उन सिग्नल्स को, ये वापस डीमॉड्यूलेट करेगा, मतलब डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, वापस ये सिग्नल्स एम्पलीफाई होंगे और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स स्पीकर्स के थ्रू बाहर आ जाएंगे। फाइन, सो ये ब्रीफ डिस्कशन मैंने की थी, लेकिन आवाज को कोई मसला हो गया था, सो नो प्रॉब्लम। ऑप्टिकल फाइबर्स का मैंने बताया, तो ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू ट्रांसमिशन आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है। दैट इज द रीजन, बिकॉज ऑप्टिकल फाइबर्स में से हमारे पास जो ट्रांसमिशन होती है वो थ्रू लाइट होती है। ओके, थ्रू लाइट वे ऑप्टिकल फाइबर में से ट्रांसमिशन होती है। ओके, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ट्रांसमिशन ऑप्टिकल फाइबर्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ लाइट को यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ वायर्स, बिकॉज वायर्स में हमारे पास स्पीड बहुत कम होती है, उनके फ्लो फ्रीक्वेंसी कम होती है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर्स की जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होती है। दूसरी चीज, ऑप्टिकल फाइबर्स में हमारे पास बहुत ज्यादा दूर दूर तक के डिस्टेंस में सिग्नल्स वीक नहीं करती, जबकि इलेक्ट्रिक वायर्स सिग्नल्स को वीक कर देती है। सो ऑप्टिकल फाइबर में ये होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अमल होता है, जो उसमें से लाइट पास होती है। यहाँ पे कोर क्लैडिंग जो होती है उसका, कोर क्लैडिंग का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 76.7 डिग्री होता है। ओके, अगर 76.7 डिग्री से ज्यादा एंगल पे हम यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, सॉरी लाइट सिग्नल्स को, वो लाइट के फॉर्म में इस इलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग फाइबर्स के अंदर से लाइट की फॉर्म में वो सिग्नल्स को पास करेगी,
और रिसीवर्स के एंड तक लेके जाएगी, लाइट की फॉर्म में पास हो रही है, लाइट की स्पीड तेज होती है, देयरफॉर वी से ट्रांसमिशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इज फास्ट। उसके बाद आता है हमारे पास फैक्स को बताओ, फैक्स मशीन क्या होती है, सेलफोन क्या होता है, फोटोफोन क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है। फैक्स मशीन हमारे पास होती है एक ऐसी मशीन जो पेज को पूरे पेज को स्कैन करके उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगी, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दूसरे फैक्स फोन के पास जाएंगे, जहाँ रिसीवर दूसरा जो रिसीवर फैक्स फोन होगा वो उसे रिसीव करेगा, उसे रिसीव करने के बाद वो फैक्स फोन उस जो सिग्नल्स में जो डेटा होता है उसे प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर देता है। कैसे करता है उसको मैं यहाँ पे आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। फाइन, सो इसने वायर को कनेक्ट किया, ओके मींस दो फैक्स फोन्स को कनेक्ट किया, प्रिंटर को उसने कनेक्ट किया हुआ। यहाँ पे थोड़ा आगे कर दें, वेल ये काम की चीज नहीं दिखा रहा, सो लेट अस सी समथिंग एल्स। ये फैक्स फोन है, ओके, सो यहाँ पे ये रिसीवर फैक्स फोन आई गेस दिखा रहा है। इसमें हमारे पास जो पेपर है, अच्छा ये ट्रांसमीटर है, ये पूरे का पूरा पेपर स्कैन होगा यहाँ पे। फाइन, ये इस पूरे पेपर को स्कैन करेगा यहाँ पे, ओके अब इसने स्कैन कर दिया है। अब दूसरा फैक्स फोन जैसे वो कनेक्टेड है, अब ये दिखा रहा है दूसरा फैक्स फोन जो दुनिया के किसी और एरिया में रखा हुआ है, वहां पे ये पूरा का पूरा डेटा जो है सिग्नल्स की फॉर्म में आएगा और उस फैक्स फोन में से वो डेटा जो उस बंदे ने पेज स्कैन किया था वो पूरा का पूरा कॉपी होके बाहर आ रहा है। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ फैक्स फोन, आई गेस इट इज क्लियर टू यू। उसके बाद आता है हमारे पास सेल फोन्स, मोबाइल फोन्स के एडवांटेजेस का आपको क्या बताने चाहिए। आपके हाथ में अभी मोबाइल फोन है, आप मोबाइल फोन्स को यूज करें, ड्यू टू दीज मोबाइल फोन्स यू आर गेटिंग योरसेल्फ एंटरटेन्ड, स्टडी भी कर रहे हैं आप और बहुत सी चीजों में काम भी कर रहे हैं, लोगों से कॉन्टेक्ट भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं और बहुत से काम हम मोबाइल्स के थ्रू करते हैं, ओके। उसके अलावा आता है फोटो फोन, फोटो फोन नाम से बता रहा है, अकॉर्डिंग टू बुक इसकी डेफिनेशन अलग है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेट इसकी डेफिनेशन अलग है। बुक में ये लिखा हुआ है कि फोटो फोन हमें एक फोटो फोन जो था वो टेलीफोन की एक एडवांस्ड फॉर्म थी जिसके थ्रू हम एक दूसरे को वीडियो कॉल करके देख सकते थे। फाइन, लेकिन इंटरनेट को जो डेफिनेशन दे रहा है इंटरनेट वो ये कह रहा है कि फोटो फोन्स हमारे पास लाइट के थ्रू सिग्नल्स दे लाइट के थ्रू कम्युनिकेशन करवाते थे या इंफॉर्मेशन के जो सिग्नल्स होते थे वो लाइट के थ्रू पास करते थे, ओके। सो ये दो डेफिनेशन थे फोटो फोन्स की, हम बुक को फॉलो करेंगे। बुक के हिसाब से फोटो फोन्स आर द डिवाइसेस और द एडवांस फॉर्म ऑफ टेलीफोन व्हिच वर यूज्ड टू डू वीडियो कॉल्स, ओके। उसके बाद आता है कंप्यूटर, कंप्यूटर्स की कोई हम नहीं देख सकते ऐसी कोई जगह जहाँ कंप्यूटर्स ना हो, मोबाइल्स आर जस्ट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर हम कहते हैं किसी ऐसी भी कोई भी सॉरी कंप्यूटर कहते हैं ऐसी किसी डिवाइस को जो इलेक्ट्रिकल हो और जिसके थ्रू हम डिफरेंट कैलकुलेशंस एंड डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, ओके, जो डेटा को इनपुट करे और उस डेटा को आउटपुट भी दिखाए। सो ये कंप्यूटर की सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद आता है पर्पस बताओ, ईमेल्स का पर्पस और इंटरनेट का पर्पस। तो ईमेल्स को देखें तो ईमेल्स को हम यूज करते हैं कम्युनिकेशंस के लिए, हमारे पास जो डेटा होता है उसे अपने दोस्त वगैरह को भेजने के लिए, कॉन्टेक्ट भेजने के लिए, ओके, अपने पर्पसेस अपने काम बहुत से कामों के लिए इसे यूज करते हैं, अपने दोस्तों से कॉन्टेक्ट करते हैं, रिश्तेदारों से कॉन्टेक्ट करते हैं, अपनी कम्युनिटी प्रोफेसर टीचर्स वगैरह सबसे कॉन्टेक्ट करते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक अ व्हाट्सएप वगैरह हम जो यूज करें उसकी तरह इसका काम है। इंटरनेट का काम देखो तो इंटरनेट पे हम बहुत सी रिसर्चेस वगैरह कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें देख रहे होते हैं, एंटरटेन कर रहे होते हैं खुद को, स्टडी भी कर रहे होते हैं, तो इंटरनेट का यूज ये होता है हमारे पास। फाइन,
अब आते हैं मेन स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन में ये होता है कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है स्टोरेज डिवाइसेस में, उनको देखना है। स्टोरेज डिवाइसेस उन डिवाइसेस को कहते हैं जो हमारे पास डेटा को या हमारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखे। ओके, सो हम देखें ऑडियो कैसेट्स को देखना है, वीडियो कैसेट्स को देखना है। कैसेट्स जो होती हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे हमारे पास डेटा को सेव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। ओके, बिट्स एंड डंप्स वगैरह कहते हैं। सो ऑडियो कैसेट जो होती हैं वो ऑडियोस को सेव करती हैं, और वीडियो कैसेट जो है वो वीडियोस को स्टोर करती हैं। ओके, ये पुराने वक्त में बहुत ज्यादा यूज होती थी, लेकिन अब इनका इतना इस्तेमाल नहीं है। ओके, हार्ड डिस्क बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। हार्ड डिस्क यूज क्यों होती है उसका भी देख लो कि हार्ड डिस्क जो है हमें बहुत से फायदे दे रही है। सच इज हार्ड डिस्क जो होती है उसमें सबसे ज्यादा डेटा स्टोर होता है। हार्ड डिस्क बहुत ज्यादा फास्ट होती है। हार्ड डिस्क के मैं कुछ एडवांटेजेस आपको बता दूं, तो हार्ड डिस्क जो होती है वो आराम से हमें मार्केट्स में मिल जाती है। ओके, और सस्ती भी होती है। हार्ड डिस्क लार्जर डेटा स्टोर करती है, मैंने कहा इसकी डेटा स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है टीवीज में। ओके, उसके बाद आ जाता है इसकी स्पीड, ये बहुत ही फास्ट वर्क करती है और ये डेटा को सेव करती है परमानेंटली। ओके, और डेटा बहुत क्या कहते हैं फास्टली एक्सेस किया जाता है हार्ड डिस्क में से। सो इट इज द फास्टेस्ट एंड इट स्टोर्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा, या इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। फ्लॉपी डिस्क पहले के जमाने में यूज होती थी, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे हमारे पास डेटा को स्टोर करती थी। इसमें स्मॉल डेटा स्टोर होता था, तो पहले बहुत ज्यादा यूज होती थी। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि हमारे पास ये पोर्टेबल थी, सस्ती थी, छोटी थी, और स्मॉल इंफॉर्मेशन वगैरह की जो छोटे छोटे डेटा था हमें उसकी ट्रांसमिशन में हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल थी। इसके डिसएडवांटेजेस ये देखें तो ये आराम से डैमेज हो जाती थी। अगर इसके करीब कोई मैग्नेट लेके आए तो उसका डेटा जो था वो उड़ जाता था, डेटा डिलीट हो जाता था। इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी जो थी वो लो थी, स्लो थी हमारे पास। ये जो थी हमारे पास बहुत ज्यादा कम डेटा स्टोर करती थी, तभी तो पहले यूज होती थी, अब नहीं होती, इसका काम नहीं आजकल। कॉम्पैक्ट डिस्क हम कहते हैं सीडीज को। सो सीडीज भी बहुत ज्यादा यूज होती थी बीच में, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसका काम कम खत्म होता जा रहा है, बिकॉज इंटरनेट से आ गए, यूएसबी ने सीडीज को रिप्लेस कर दिया है ऑलमोस्ट। तो सीडीज हमारे पास इतनी ज्यादा यूज नहीं होती। सीडीज जो है वो 750 MB तक डेटा स्टोर करती थी। ओके, सम सीडीज होती थी जो जीबीज में भी डेटा स्टोर करती थी, लेकिन सीडीज में डेटा भी कम स्टोर होता है। सो इसके एडवांटेजेस हम देखें तो सीडीज हमारे पास जी थी सेफ, डेटा जो था सीडीज में सेफ होता था, अवेलेबल हमारे पास मार्केट में आराम से मिल जाती थी, और इनकी कैपेसिटी भी अच्छी होती थी, 700 या 1 GB तक की, और ये सस्ती भी होती थी हमारे पास, फाइन। लेकिन ये होता है कि इसकी सीडी पे स्क्रैचेस वगैरह आ गए तो डेटा उड़ जाता था, तो दिस इज द डिसएडवांटेजेस। देन आता है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव, फ्लैश मतलब लाइट के फॉर्म में हमारे पास डेटा सेव हो। ओके, सो फ्लैश ड्राइव जो है वो परमानेंट मेमोरी है, हमारे डेटा को परमानेंटली सेव करती है। ओके, और इसमें हम इलेक्ट्रिकली डेटा को सेव, स्टोर या डिलीट कर सकते हैं थ्रू लाइट। ओके, सो हम कहते हैं कि ये इसलिए फ्लैश मेमोरी है। ओके, देन आता है हैंडलिंग ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ आए वर्ड प्रोसेसिंग का काम है, डेटा मैनेजिंग है, मॉनिटरिंग है, कंट्रोलिंग है। वर्ड प्रोसेसिंग देखो, वर्ड प्रोसेसिंग में यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा था आपको पढ़ाने के लिए, फाइन। तो वर्ड प्रोसेसिंग यहाँ पे क्या कर रहा था, मैं डॉक्यूमेंटेशन बना रहा था। सो वर्ड का ये काम है कि यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। वर्ड का बेसिकली यही है कि इट इज फॉर डॉक्यूमेंटेशन। इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को टाइप कर सकते हैं अपनी तरफ से। ओके, कॉपी पेस्ट मूव डिलीट कर सकते हैं, टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, ये सारे के सारे इसके फीचर्स हैं। ओके, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, बोल्ड करो, कलर दो, हाईलाइट करो, बुक मार्क्स लगाओ, कमेंट्स दो, पूरा का पूरा इस वर्ड के अंदर हो रहा है, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा दूसरा हमारे पास आ जाता है डेटा मैनेजिंग। ओके, तो डेटा मैनेजिंग में हम डेटा को मैनेज कर रहे होते हैं, जो हमारे पास रॉ डेटा आ रहा है उसे हम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। सो इसमें ये हो रहा था कि जो हमारे पास डेटा होता है उसे हम रिव्यू करते हैं और उसे इंफॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसे
एक्यूरेट वगैरह करके हम इससे डेटा सेव कर रहे होते हैं। ओके, डेटा को सेव करना जैसे हमारे खाते वगैरह होते हैं या हमारे स्कूल्स के बड़े बड़े डेटा रिकॉर्ड्स हैं पास पेपर्स वगैरह के, वो सारे के सारे डेटा मैनेजिंग को में आ जाते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है डेटा मॉनिटरिंग। डेटा मॉनिटरिंग से मुराद ये है कि डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, ओके, उसे हम कलेक्ट करें, उसे ऑर्गेनाइज करें, उसे प्रोटेक्ट करें कि कोई बंदा उसे ले ना जाए, और उस डेटा को स्टोर करते हैं। तो इसका काम भी सिमिलर ही है कि डेटा मैनेजमेंट, और ये डेटा को हम ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद स्टोर कर रहे हैं, उसे ऑर्गेनाइज भी करके रख रहे हैं, उसे प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं कि कोई बैरोनी या कोई बाहर का बंदा हमारे डेटा को ना ले ले, चोरी ना कर ले। कंट्रोलिंग ये होती है कि फॉर एग्जांपल हम लैब की दूं तो हमारे पास लैब में 25 पीसे हैं, 25 पीसीज हैं, लेकिन उनमें सिर्फ एक सर इमरान का पीसी है जो हमें कंट्रोल कर रहा होता है। अगर मैं अपने पीसी में कोई चीज सर्च कर रहा हूं तो सर इमरान का पीसी देख सकता है। सो कंट्रोलिंग ये है कि कौन से क्लाइंट को या कौन से मेंबर को कितने राइट्स दिए जा सकें। ओके, सो इट सिक्योर्स डेटा डेटा by heavy visibility and by controlling over all the access to data, कि कौन सा बंदा हमारे इस डेटा को एक्सेस कर सके और कौन सा बंदा इसको। फॉर सपोज मैं सर इमरान के कंप्यूटर का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता कोई और पीसी चला के, बट सर इमरान अपना पीसी चला के दूसरे जो 25 पीसीज हैं उनमें जो भी डेटा है उनको एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज द मेन पीसी जो कि कंट्रोल कर रहा है। सो ये हमारे पास होगी डेटा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। With this, our class gets over and chapter over हो जाता है हमारे पास। Thank you so much.